नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे GST से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए, और यह हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है आने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम SSC, CGL, HSSC एग्ज़ाम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस, जहां पर वर्ष 1954 में GST लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कैनेडा। अगला प्रश्न है, GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य? असम। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति ने। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया? अनुच्छेद 279A। GST परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33। संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया 122वां। GST बिल पर राज्यसभा तथा लोकसभा में क्रम से पारित किया, राज्यसभा ने 3 अगस्त को और लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को GST बिल को पारित किया। GST बिल के पक्ष में और विपक्ष में कितने मत पड़े? पक्ष में 336 और विपक्ष में 11 मत पड़े। GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? 8 सितंबर 2016। GST पंजीकरण संख्या में कुल डिजिट कितने हैं? 15। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।